विवादों में घिरे दीपक कोचर चंदा कोचर के पति हैं। एबीपी न्यूज ने पड़ताल शुरू की कि आखिर दीपक कोचर करते क्या हैं? जिस कंपनी नू पावर का बार बार नाम आ रहा है वो क्या करती है, ये जानने के लिए हम उनकी वेबसाइट पर गए। वेबसाइट के पहले पन्ने पर ही दीपक कोचर की तस्वीर लगी हुई है। तस्वीर के नीचे लिखा है फाउंडर एंड सीईओ, यानी कंपनी के संस्थापक और सीईओ। वेबसाइट पर कंपनी के काम के बारे में भी बताया गया है। लिखा हुआ है कि भारत के 160 गीगावाट के विंड और सोलर एनर्जी के टारगेट को पूरा करने में वो भी भागीदार हैं। वेबसाइट पर यह भी बताया गया है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सहित देश के 6 राज्यों में विंड पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। यहाँ कंपनी का पता दिया गया है मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में मौजूद कैपिटल बिल्डिंग का। दीपक कोचर की न्यू पावर कंपनी के पते यानी कैपिटल बिल्डिंग पहुंचे तो उसके भीतर हम नहीं जा सके। छुट्टी का दिन होने की वजह से ऑफिस बंद था तो ऑफिस के भीतर हमें जाने की इजाजत नहीं मिली, लेकिन हमें ये पता चला कि इनका एक और ऑफिस मेकर चेंबर नरीमन पॉइंट में भी है। नरीमन पॉइंट वाले ऑफिस के सिर्फ दरवाजे तक ही हम पहुंच पाए, कैमरा यहां तक नहीं ला पाए थे, इसलिए दफ्तर को हम सिर्फ मोबाइल से ही शूट कर पाए, वो भी बाहर से। यहां पर हमें सिर्फ एक चपरासी बैठा मिला, उसने इस बात की तो पुष्टि की कि ये न्यू पावर का ही दफ्तर है, लेकिन साथ ही ये भी बताया कि इस दफ्तर का कामकाज अब बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स की कैपिटल बिल्डिंग की इमारत में एक दफ्तर खुला है, वहां पर शिफ्ट हो गया है और वो यहां पर सिर्फ कुरियर और चिट्ठी पत्री रिसीव करने के लिए ही बैठता है। इसके बाद हमारी अगली मंजिल थी कंपनी के शेयर धारकों को खोजना। पता चला कि मुंबई में अंधेरी के आजाद नगर इलाके में ले सरेना बिल्डिंग में महेश चंद्र पुगलिया रहते हैं। जब हमने पता किया तो मालूम चला कि वो घर बदल चुके हैं। महेश चंद्र पुगलिया अंधेरी आजाद नगर के इसी ला सेरेना बिल्डिंग के चौथी मंजिल पर रहते हैं। पता चला कि वो इस घर से शिफ्ट हो गए हैं, मुंबई के वो दूसरे इलाके में रहते हैं और इनके घर में फिलहाल किराएदार रहते हैं। मुंबई के कांदिवली के रहने वाले दो और शेयर धारकों का पता चला। हमने मिलकर उनका पक्ष जानना चाहा तो इनसे भी मुलाकात नहीं हो पाई। सुनील भूता और उनकी पत्नी श्रुति भूता दोनों ही शेयर धारक हैं। जब इस मामले में हमने श्रुति भूता से फोन पर बातचीत की तो उनका कहना है कि यह जो कंपनी है वो बहुत ही क्लीन कंपनी है, इसका विवादों से कोई लेना देना नहीं है। कुल मिलाकर अभी तक नू पावर कंपनी से संबंधित किसी भी शख्स ने सामने से आकर अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। मैं पुण्य प्रसून वाजपेयी आ रहा हूं एबीपी न्यूज पर। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।